न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सीआईए पुलिस टीम ने अवैध हथियारों सहित 6 युवकों को गिरफ्तार कर बीते सप्ताह रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक व्यापारी से पैसे छीनने के अलावा लूट व हत्या जैसी बड़ी वारदातों का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस व 1 चाकू भी बरामद किया है। डीएसपी अमित भाटिया ने पत्रकारों को बताया कि सीआईए पुलिस को सूचना मिली कि 5-6 आवारा किस्म के युवक रेवाड़ी के सेक्टर 18 में गाड़ी में घूम रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी हैं, जिस पर सीआईए इंचार्ज सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में सीआईए टीम सेक्टर 18 पहुंची तो वहां एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। पुलिस टीम को आता देख युवक गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे तो पुलिस ने 6 युवकों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान मनीष सैनी उर्फ यमराज, निवासी मोहल्ला सैनीपुरा रेवाड़ी, हाल निवासी बेरी झज्जर, मनदीप और फौजी निवासी बाल रोड चरखी दादरी, विकास निवासी गांव भाली रोहतक, अजय और फराना निवासी नई बस्ती रेवाड़ी, कृष्ण कुमार निवासी कुतुबपुर रेवाड़ी व मनोज निवासी किलोई जिला रोहतक के रूप में हुई है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान बीते सप्ताह रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में व्यापारी के साथ देसी कट्टे की बट से मारपीट करके पैसे छीनने और जान से मारने की धमकी देने, मई माह में गोकुलपुर गांव के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या करने और जुलाई माह में ही दादरी से रोहतक रोड पर एक गाड़ी लूटने का खुलासा हुआ है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए नवीन शर्मा के साथ राजकुमार की रिपोर्ट। ये टीम्स ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है और जो हमारा जिला पुलिस का उद्देश्य है कि जो अपराधी तत्व के जितने भी प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट हैं और जो लोगों में खौफ पैदा करते हैं तो वो सलाखों के अंदर हों पीछे हों, तो उसी श्रेणी में कल जो सीआईए रेवाड़ी पुलिस है इन्होंने सेक्टर 18 जो पीएस मॉडल टाउन थाना क्षेत्र है उसमें एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करके उसमें 6 व्यक्ति थे, उनसे पूछताछ की और गाड़ी की जो तलाशी ली गई तो उस दौरान जो 6 के 6 व्यक्ति हैं वो सस्पेक्टेड और क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, उनकी तलाशी ली गई तो 3 जो अवैध हथियार थे, 3 देसी कट्टे और कुछ राउंड और एक नाइफ उनसे बरामद किया और फिर गहनता से उनके साथ पूछताछ की गई। इस संबंध में पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन में एक मुकदमा नंबर 404 हमने दर्ज किया अंडर सेक्शन 2554-59 आर्म्स एक्ट और इन सभी को हमने उस मुकदमे में गिरफ्तार किया। माननीय न्यायालय में आज इनको पुलिस रिमांड के लिए पेश किया गया था तो पुलिस को 2 दिन का इसमें पुलिस रिमांड मिला है और जो पुलिस का यही उद्देश्य है कि जहां से इन्होंने ये वेपन, जिस सोर्स से ये वेपन प्रोक्योर किए हैं, हम उन सोर्सेज तक जाएं और जो सोर्स हैं उनको भी हम गिरफ्तार करें और इसी संबंध में इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है। 2 मुकदमे रेवाड़ी के हैं और एक पुलिस स्टेशन असोदा झज्जर का है। अभी कुछ ही दिन पहले एक व्यापारी हैं जिनके प्रतिष्ठान पर हमला हुआ था और लूट की एक वारदात हुई थी, उन्हें वेपन से घायल भी कर दिया गया था तो उसमें भी इन 6 व्यक्तियों ने अपनी इन्वॉल्वमेंट बताई है और कबूला है कि ये लूट के इरादे से व्यापारी के प्रतिष्ठान पे आए और उसी इरादे से इन्होंने लूट के इरादे से उन पे हमला किया और उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आईडीज थे और कुछ पैसे भी वो छीन के गए हैं तो उसमें भी इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है तो उस मुकदमे में भी इनकी गहनता से पूछताछ करके इनका रिमांड लिया जाएगा। इसके अलावा जो 6 में से 2 व्यक्ति हैं मनीष और एक मंजीत, इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। एक पीएस सदर रेवाड़ी में एक मुकदमा दर्ज है जिसमें एक ठेके के सामने सतीश की हत्या कर दी गई थी। जो व्यापारी के साथ जो वारदात हुई थी जिसके संबंध में हमने मुकदमा नंबर 390 पीएस मॉडल टाउन जो दर्ज किया हुआ है उसमें जो गाड़ी यूज़ की गई है वही गाड़ी ये कल बरामद की गई है और उसी गाड़ी में ये 6 व्यक्ति हैं। अभी तक की जो पूछताछ है इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं ये सभी और पहले भी जो लूट हत्या और लूट इस प्रकार की ये जो वारदातें हैं करते रहते हैं और 3 मुकदमों में इनकी इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी आई है और जो हमारा मुकदमा है उसमें ऑलरेडी ये 6 के 6 इन्वॉल्व हैं
तो जरूर मैं कहूँगा कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट के ये व्यक्ति हैं। बिल्कुल हो सकता है, अब ये दो दिन के पुलिस रिमांड पर है, जरूरत पड़ी तो इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो भी इनकी कहीं पर जिले में कहीं पर अभी कोई भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है और उसी हिसाब से पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करें।